अशोक गहलोत जी। हाँ, अशोक गहलोत। हाँ, अशोक गहलोत जी। हाँ, हाँ। अच्छा, आपको पता है आपका आपको अभी जो वोट देना है वो उनके लिए आप वोट देंगे? क्या कुछ लगता है आपको कि आपके लिए आपके जीवन में कुछ सुधार हुआ है क्या जब से 5 साल का अशोक गहलोत जी की सरकार आई तब से? हाँ, सुधार तो है, ये सुधार हुआ है। कविता भाई अब बिक रहा है अशोक गहलोत अशोक गहलोत दिया क्या पने राजू चेयरमैन कौन दिया? आप नौर से नहीं आए क्या? हाँ, हम नौर के साइड से ही आ रहे हैं। हाँ। तो यहाँ आपका खेत है? खेत कौन बैठा? मैं तो घास ले नहीं आया, 2:30 बजे का बैठा हूँ। सजन को मिलने लग रहे हो? अच्छा, अरे सजन पर जावा में। अच्छा, एक सेकंड, तो आप 2:30 बजे से यहाँ इंतजार कर रहे हैं? हाँ। साधन नहीं आ रहा? हाँ। पब्लिक कन्वेंस कुछ नहीं है यहाँ पे? कन्वेंस है कुछ, मतलब आने जाने के लिए कुछ सुविधा है? अच्छा, एक बात बताइए, मुख्यमंत्री जी जानते कौन है आप यहाँ के? सुने अशोक गहलोत जी। हाँ, अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। अच्छा, आपको पता है आपका आपको अभी जो वोट देना है वो उनके लिए आप वोट देंगे? लोकसभा में आप मोदी जी के लिए वोट देते हैं? हाँ, ये ठीक है। अभी अभी सिलेंडर की बात हो रही थी, मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही थी, कुछ मिला है आपको? हाँ, सिलेंडर मिले है। सिलेंडर मिला है 500 रुपए में? हाँ। अच्छा, और फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिली आपको, मतलब बिजली का बिल मुफ्त मिला है आपको? बिल कहते हैं भाई, पर मार तो 4,000 4,500 इतना ही आता रहे है। 4,500 रुपए। अच्छा, खाते में पैसा आ रहा है आपके? पेंशन मंदिर है। अच्छा, पेंशन मांगा कौन मिली पेंशन? आपको पेंशन नहीं मिली? अब हो रही है आपके पेपर 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 बने हुए हैं सारे? पेपर क्या ना, पेपर जो जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो रखी है, फिर पेंशन नहीं आ रही। पेंशन अब क्या रुकी है? अच्छा, वरना आ रही थी, वरना आ रही थी। अच्छा, कब से रुकी हुई है? अभी बताऊं, 2 महीना हो गया मैं एक ही आई है। मैं तो ले आई भाई। आपको आपको कितनी बार मिला है? मैं तो अब गए, अब तो बात हो गई है ओ मिनो, अब तो हजार कर रखा है अपन ले रहे साउंड में ले आई मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी ये कह रही थी कि लड़कियों को ना वो मिला हुआ है, टैबलेट मिला हुआ है, मोबाइल फोन मिला हुआ है, मिला है आप लोगों को? हां हां, मेरे 8 महीने पटा थोड़ी पोती पटा। अच्छा, आपकी पोती को मिला है? हां। अच्छा, अभी अशोक गहलोत जी, हाँ जी, आपको भी मिला है? आपके वहाँ मिला? लड़की ने मिली है, लड़की को मिला है? आपके वहाँ मिला है किसी को? मेरे तो पति ने कौन मिली, लड़की तो लग गया सरकारी में पढ़ने। कोई बात नहीं भाई, देखो कभी नहीं देंगे वोट, वो हमारे कहने से थोड़ी, वो आपका हक है। अच्छा, ये बताइए, क्या कुछ लगता है आपको कि आपके लिए आपके जीवन में कुछ सुधार हुआ है क्या जब से 5 साल का अशोक गहलोत जी की सरकार आई तब से? हाँ, सुधार तो है, ये सुधार हुआ है, सुधार लग रहा है, सुधार तो है, सुधार है। हाँ। अच्छा, इसके पहले बीजेपी की सरकार थी? हाँ। तो उस समय कुछ दुख दुविधा भाई अब भी कर रहा है, अशोक गहलोत कर रहे हैं सारे, वोट आप अशोक गहलोत को देंगे? हाँ भाई, अशोक गहलोत को, आप भी अशोक गहलोत को देंगे भाई? मैं तो कांग्रेस ने की ना सुविधा की लगा अभी, मैं तो अशोक गहलोत दिया क्या पने राजू चेयरमैन कौन दिया? किसको देंगे राजू चेयरमैन? कौन? अच्छा, आपको पता आपका विधायक कौन है? मन कौन मेरे बेटा? अच्छा, आपको पता विधायक कौन है? ओए राजू चेयरमैन ही। हां, मैं चाचा नहीं बेटो। तो उन्होंने कुछ काम हम किया? पकड़ा तो दे ना, मैं तो वोट तो कांग्रेस नहीं देगा। नहीं, हम क्यों पकड़ाएंगे, आपकी मर्जी है, आप इसको मार काम में आ गया भाई। ऐसे जागे की कांत के और की करे ये लोग तो रा शुरू जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि ये कह रही है सुविधाएं मिली हैं, सुविधाएं आ गई हैं, तो लोग कह रहे पानी वानी नहीं आ पाया, पानी की समस्या है? पानी नहीं आया तो? अच्छा, पानी नहीं आया है, खेतों में फसल हो रही है? पानी तो कम है। हाँ। कम है? हाँ। पहले से कम है? हाँ, कम है। पानी की कुछ फैसिलिटी हो पा रही है, कुछ खेतों तक पहुंच पा रहा है पानी? पानी भाई मार तो जमीन है कौन नहीं। अच्छा, मैं तो कोई ओरा में लिया पानी खींचा है, पानी होता तो यहाँ सूखा पड़े रहता। सही बात है। अच्छा, बच्चों की शिक्षा विक्षा अच्छे से हो रही है कि नहीं?
बच्चा। अशोक गहलोत जी कहते हैं कि हमने चिरंजीवी योजना लॉन्च की है, स्वास्थ्य को लेकर भी वो काफी कुछ बोलते रहते हैं, सुविधाओं में कुछ असर असर दिख रहा है? हाँ ठीक है, दवाई पानी मिल रहा है हॉस्पिटल में, ठीक है। अब आवे भाई मोदी आओगो कुना होगा इन चढ़ा के मानते आखिंगी है। हाँ ये ले जाएंगे सामान। अच्छा ये 2:30 बजे से यहाँ रुकी हुई है और समस्या ये है कि इन्हें कोई कन्विंस नहीं मिल रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिल पा रहा है कि अपने घर तक पहुँच पाए। और यहाँ चूंकि रोड मैं आपको दिखाना चाहूंगी, बहुत चौड़ी तो रोड नहीं है और यहाँ पे पब्लिक जो कन्वेंस है वो भी बहुत कम है, यहाँ पे यातायात का जो प्रबंध है वो भी काफी कम है। और इसके साथ ही आप देख सकेंगे कि जो माहौल है यहाँ पर खेतों में वो भी बहुत खाली खाली सा लग रहा है। हालांकि बहुत से लोग पानी की शिकायतें कर रहे हैं और पानी की शिकायतें कहीं ना कहीं लाजमी भी है क्योंकि जो खेत नजर आ रहे हैं वो सारे सूखे नजर आ रहे हैं। और जो राजस्थान का मेन अहम मुद्दा है वो बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि पानी का मुद्दा है। हालांकि कुछ महिलाएं हमारे साथ हमें दिखी, हम रुक के उनसे बात किया, हमने पूछने की कोशिश की कि आखिर जमीनी स्तर पर अशोक गहलोत की गारंटियां पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि कुछ महिलाएं उनके पक्ष में भी बोल रही थी और कुछ महिलाएं ऐसी नाराज भी है, लेकिन नाराजगी की अपनी वजह हो सकती है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलती हूँ।